हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है 30 जुलाई और रेडी हो गया हूँ, पूजा पाठ सब हो गया। हम ब्रेकफास्ट करना है और फिर उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। हे गाइस, तो अब आ गया हूँ ऑफिस से और जा रहे हैं 17 की तरफ। और ऑटो एक्चुअली मैं थोड़े 10 रुपये बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलो आगे को तो ऑटो फिर 10 रुपये में बिठा लेते हैं। अगर वहाँ से खड़े खड़े ऑटो पकड़ो तो मांगते हैं 20 रुपये, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग हमें भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पैदल चलो तो 10 रुपये में मान जाते हैं, नहीं मिले तो फिर आगे चौक तक पहुँच जाओ, वहाँ से वैसे ही 10 रुपये 17 तक के लगते हैं। गाइस, आज भी ना मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। ये देखो, बिल्कुल बादल तो लगे हैं पर बारिश होगी कि नहीं, होनी तो चाहिए। वैसे आज फोरकास्ट तो लिखा था कि बारिश होनी है पर नहीं हुई। हे गाइस, तो पहुंच गया हूं घर और पुष्पा भी साथ साथ ही आ गई है। और देखो पुष्पा क्या लाई है आज, क्या लाई है ये देखो। अपने भैया को भेजने के लिए राखी लाई है और ये देखो, ये बड़ी अच्छी है। ये अपने भतीजे के लिए लाई है, ये देखो। ओ वाह, लाइटिंग वाली है। तो गाइस देखा आपने, ऐसी राखी देखी है कभी? पहले हमें बड़ा शौक होता था पर उस समय ऐसी नहीं होती थी, स्पॉन्ज वाली चलती थी हमारे टाइम पे। चलो रखो जी, अभी अपने आप बंद हो जाएगी ना। वाह, बहुत सुंदर सुंदर राखी लाई है। अब मेरा वही काम, चलो चाय बना लेते हैं और फिर उसके बाद सब्जी के बारे में सोचेंगे। पहले चाय बनाएंगे और थकान मिटाते हैं पहले। हे गाइस, तो आगे रसोई में और आज बनाने लगा हूँ आलू और बैंगन फिर से। ठीक है, आलू बैंगन सस्ते भी हैं और आजकल थोड़े पैसे भी है ना, लास्ट चल रहे हैं तो पैसे भी कम है तो आलू बैंगन सस्ता पड़ जाता है। और ये देखो, दोपहर के लिए कल संडे है तो कल बनेंगे चने। तो चने मैंने भिगा दिए अभी से, क्योंकि सवेरे बना लेंगे टाइम से ना। तो चलो फटाफट अब सब्जी की करते हैं तैयारी। तो भाई सब्जी मैंने चढ़ा दी और बिल्कुल रेडी होने वाली, 5 मिनट हो जाएंगे। और आज आलू बैंगन बने हैं तो थोड़े से चावल भी बना लिए हैं। और ये देखो, ये लगे सीटी बंद। तो अपना डिनर तो रेडी है, बस अब रोटियां बनाएगी दृष्टि। तो जैसी रोटियां बन जाएगी फिर उसके बाद खाएंगे मजे से।